मैं कल्लन। मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव था। रेशमा, ओ रेशमा, फिर आ गया तू? एक तू ही तो मेरी तन्हाई का सहारा है रेशमा। निरोध लाया है क्या? ये निरोध विरोध तो बच्चों के खेलने की चीज है। तू भी किस चक्कर में पड़ गई है? अपन तो पुराने खिलाड़ी हैं। आजा फिर। आप आ गए तो क्या नहीं आना चाहिए था मुझे? जाओ चाय लेके आओ। लीजिए। ये भी कोई चाय है? जा रहा हूं मैं अपने दोस्तों के पास। अजी सुनते हैं जी,
क्या है? हमारा छठवां महीना चल रहा है। सरकारी अस्पताल में जाके कुछ जांच करवा ले के आशा दी कही थी हमसे। फालतू में पैसे डालने से कुछ नहीं होता, पैसे भी दो और खून भी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आशा दी बताई थी कि सरकारी अस्पताल में सारी जांच फ्री में होते हैं। अच्छा फ्री में होती है? हाँ। अरे अरे आशा दीदी आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुमने कल अस्पताल में आके कुछ जांचें करवाई थी? हाँ हाँ कराई थी ना। ये लो ये परिणाम है, अपने पति को भी जाकर दिखा लो। अरे आशा दीदी तुम ही ने एक पढ़ के बताई दियो, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। रुको मैं बताती हूँ, इसमें लिखा है तुम्हें और तुम्हारे पति को HIV नाम की गंभीर बीमारी है और आगे जाकर ये तुम्हारे बच्चे को भी खतरा पहुँचा सकती है। हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे एड्स कैसे हो सकता है? आप दोनों को जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। कल ही अस्पताल आइए और डॉक्टर से बात कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे सरपंच साहब कल्लन और उकी लुगाई को तो एड्स है, इनकी बीमारी तो पूरे गांव को खा जाएगी, इन्हें तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों रे कल्लन ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमको माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई साहब, हमारे से गलती हो गई। गांव वालों क्या राय है आप लोगों की? निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकालो इनको बाहर यहाँ से। साहब हमारे से गलती हो गई, हमारे को माफ कर दो साहब। शर्म नहीं आई तुझे? पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया है। निकालो 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 इन्हें गांव से बाहर। रुक जाइए सरपंच साहब, मैं और मेरा आदमी ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, अगर जाएंगे तो आपका लड़का भी साथ में जाएगा, उसे भी एड्स है। कल्लन समझा ले अपने बीवी को, क्या अनाप शनाप बके जा रही है मेरे बेटे के बारे में। सरपंच साहब ये औरत तो बेअक्ल है, बैठ जा तू नीचे। अब तो सरपंच साहब का लड़का भी गांव के बाहर जाएगा। अरे चुप रे मूरख, जा मेरे बेटे को बुला के ला। जी पिताजी बुलाया आपने? आजा मेरे शेर, ये सब क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में? क्या पिताजी? ये पागल औरत बोल रही है कि तुझे एड्स है? नहीं नहीं। अरे अरे देखा है मैंने इसको अस्पताल में। ये बात का फैसला तो आप डॉक्टर साहब ही करेंगे, उन्हीं को बुला लीजिए सरपंच। हाँ हाँ बुला लो डॉक्टर साहब को। अरे आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार सरपंच साहब। अरे डॉक्टर साहब अब आप ही फैसला कीजिए। सरपंच साहब आपके बेटे कल्लन और उसकी बहू तीनों को ही HIV पॉजिटिव है। हमारे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, चौधरी खानदान का खून है, इसमें कोई बीमारी ना है। देखिए सरपंच साहब ये रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि आपके बेटे को भी HIV पॉजिटिव है। नाक कटा के रख दी खानदान की, इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था। रुकिए सरपंच साहब रुकिए, इसको मारने पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ HIV पॉजिटिव है, ये सभी लोग सिर्फ HIV पॉजिटिव हैं, एड्स नहीं है। अरे तो बात तो एक ही हुई ना डॉक्टर साहब। नहीं सरपंच साहब दोनों में बहुत अंतर होता है, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारा शरीर एक देश के समान होता है, इस शरीर के सेना को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं और इसके सेनापति को CD4+ सेल्स कहा जाता है। जिस तरह देश की सेना दुश्मनों से लड़कर हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमें बाहरी कीटाणुओं से बचाता है। HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमारे सेनापति यानी कि CD4+ सेल्स को मार देता है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और HIV वायरस हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पर काबू पा लेता है। इसे हम HIV पॉजिटिव कहते हैं। काफ़ी सालों बाद जब HIV वायरस हमारे सारे सेनापति यानी कि CD4+ सेल्स को मार गिराता है तो हमारा शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है और बाहरी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता खो बैठता है, जिसके कारण हम रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। इसे हम एड्स कहते हैं।
अरे डॉक्टर साहब, अब क्या करूँ इस कपूत का, ये तो पूरे गांव में बीमारी फैला देगा। नहीं, इसको तो बाहर ही निकालना पड़ेगा। नहीं सरपंच साहब रुकिए, ये बीमारी किसी के भी उठने बैठने, खाने पीने या छूने से नहीं फैलती है। इन्हें गांव में बिल्कुल आप रख सकते हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इन्हें आपके सहयोग और साथ की जरूरत है। आज इस कल्याण और कल्याण की लुगाई ने सारे गांव में मेरी नाक कटा दी। भाई तेरे बाप की इज्जत मिट्टी मिला दी आज इसने। इसका और इसकी लुगाई का कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, इसको बुलाते हैं इसे आज। आज देख इस कल्याण का हिसाब चुकता करते हैं आज। और बता इसमा की क्या हाल है आजकल, खूब रंग रलिया मना रहा उसके साथ हा? अरे भाई क्या बताऊं यार, बहुत कड़क मार है। अभी एक हफ्ते पहले ही मिल के आया था यार। अच्छा दे यार दारू दे। तेरे भाई को कब मिलवा रहा है? चल कभी भी मिलवाते। अरे मैंने तो सुना यार कि दो दिन पहले उसकी मौत हो गई। कैसे भाई? अरे बता रहा था वो। कौन बता रहा था? अरे बता रहा था अपना राकेश। अरे कैसे मरी? अरे डर। साथ में रहने उठने बैठने खाने पीने एक दूसरे को गले लगाने से नहीं होती। यह बीमारी तो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों के उपयोग से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से एवं प्रसव के दौरान मां से बच्चे को हो सकती है। तो आइए हम सब मिलकर एड्स से लड़ें और इससे जुड़ी हुई विभिन्न भ्रांतियों को समाज से निकाल फेंकें।